मॉर्निंग सभी को, सब कैसे हैं? हम हैं ऋषिकेश में, जैसा कि आप सबको याद होगा, और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। हमने जो चार धाम की है वो बुकिंग की हुई है, मतलब कि हम यहाँ से सीधा ट्रैवलर बुक किया है, मतलब बाकी सारे लोगों के साथ। तो हम ट्रैवलर में यहाँ से 9 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, आपको जगह वगैरह भी दिखाएंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे ना, अगर आप गवर्नमेंट बसेस के लिए या वैसे बसेस के लिए अगर आप ट्राई करते रहेंगे अलग अलग जगह जाने के लिए, तो वो ज़्यादा महंगा लगेगा। दिस इज़ लाइक अफोर्डेबल कि आप गाड़ियाँ बुक कर लीजिए, वो आपको कुछ पैकेज है 10 दिन का, 9 दिन का, वैसे करके आपको लेके जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा है मेरी तरफ से, मेरे ख्याल से तो वही है। तो हम इसी तरीके से जा रहे हैं, अभी यमुनोत्री के लिए बस निकल रहे हैं। मेरा नाम आ जाएगा कि चार धाम यात्रा करी, राधे राधे की संगम। सही बात है, सही बात है। हम सारे बैठ गए बस में, येरी मेरी मौसी, और हम सारे चल पड़े हैं यहाँ से यमुनोत्री के लिए। यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हैं और मेरी मौसी अंदर जा चुकी है, मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तो यहाँ कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रास्ते में उसके बाद कोई अच्छा जगह नहीं है खाने के लिए, वो कह रहे हैं। तो दिस वन इज लाइक गुड, लेट्स चेक इट आउट। सो अभी हम यहाँ खाने के लिए बैठ चुके हैं, मेरी मौसी यहाँ पे है। हम लोग जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो ये हैं, ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, दोनों के दोनों बाप बेटे। और अभी हम सारे यहाँ बैठे हैं नाश्ता करने के लिए, और हमने आलू पराठा मंगवाई है। बिना लहसुन प्याज के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सावन का महीना चल रहा है तो हमें वैसे ही बिना लहसुन प्याज के खाना है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ हमारा पराठा आ चुका है, मौसी ने यहाँ चाय ऑर्डर कर चुकी है, बढ़िया से खाने के लिए एकदम रेडी है कि बस हम खाते हैं और निकलते। खाना पीना बढ़िया से हो गया अपना, नाश्ता भी काफ़ी टेस्टी था, आलू पराठा। शर्मा रही है कैसे? नहीं शर्मा रही हूँ, अभी भी खाना नहीं हुआ इनका, इतनी लेट रहती है, खा ही रही हम तक। इतनी सुंदर पहाड़ यार, जितना देखो उतना कम लग रहा है मुझे तो। हाय, तो फिलहाल हम लोग रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और लेट मी शो यू द व्यू। मेरे पीछे पहाड़ दिख रही है, हाय, इतनी प्यारी लग रही है ना, और जो आवाज़ आपको आ रही है ना, ये झरने के नीचे यहाँ से बह रही है। इतना सुंदर है ना उत्तराखंड, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ जी। खराब पानी नहीं? हाँ हाँ, साफ पानी, देखिए ना कितना साफ है, हाँ, झरने का ऊपर से पानी आ रहा है, इतना सुंदर साफ है। अर्जुन कैसे बाण लगाया? एक सेकंड, ये बाण का कहानी क्या है? पर क्यों लगाया बाण? हाँ हाँ, क्यों मारा? प्यास लगी ना, कौरव पांडव को प्यास लगी। अच्छा अच्छा, द्रौपदी को प्यास लगी थी शायद, बाण का मंडल। अच्छा, इतना सुंदर दृश्य शिव जी का, यहाँ पे छोटा सा मंदिर, और यहीं पे बाण मारा था जहाँ से पानी बहती हुई नीचे जा रही है ना, अर्जुन ने जो मारा था बाण, प्यास लग रही थी जब। यमुना नदी को देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही, कितनी प्यारा लग रहा है ये जगह। हाय, हम अभी चल रहे हैं लखा मंडल की ओर, जिसकी कहानी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो हम आ चुके हैं अभी लखा मंडल में, इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। लाखा मंडल की कहानी शुरू होती है पांडवों के युद्ध के बाद। तो पांडव लोग श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने इतना पाप किया है, अपने ही पूर्वजों को मार के, अपने ही भाई बहनों को, परिवार लोगों को मार के, तो अब हम इस जो पाप से मुक्ति कैसे पाएंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या की के टाइम पे उनको शिव जी की मतलब पूजा करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए, पर उनके टाइम में सोमवती अमावस आई नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे शिव जी को ढूंढते हुए कि उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पे सवा लाख शिवलिंग स्थापित की, बनाया, और यही वो जगह है जहाँ पे वो 1,25,000 शिवलिंग है। क्या आप अभी से थक गई? ज़्यादा लंबी चढ़ाई तो नहीं है? क्या बात कर रहे हैं यार मौसी, इतनी जल्दी थक गई, थोड़ी सी ऊँची चढ़नी पड़ी है ना। बस हम आगे लखा मंडल में। एक्चुअली बात यह है कि यही सब चीज़ों की वजह से आपको पता चलेगा धीरे धीरे चल के कि केदारनाथ की एक्चुअल में स्टोरी क्या है। सारा कहानी अब यहीं से शुरू हुआ है। देखो ये मंदिर, देखो ये मंदिर की खोज है एक गाय माता ने की, गाय माता ने एक गाय आती थी, जन्म पाई गाय आते थे अंदर, सुलिंग के अंदर,
शिवलिंग अंदर दो चार तेरे। ये मंदिर है 5007 पुराना है। यहाँ पे चार ही लिंग के शिवलिंग है, तीर्थायु का भी है, द्वापरयुग का भी है, सत्ययुग का भी है, कलयुग का भी है। यहाँ पे चार ही लिंग के शिवलिंग भी है। ये तीर्थायु का है, ये लाल रंग का शिवलिंग है, तीर्थायु का है। ये हर रंग का है, ये द्वापरयुग का है, सत्ययुग का अंदर है, कलयुग का बाहर है। जिस जल डालेंगे सभी लोग उसमें प्रतिबिंब दिखेगा शिवलिंग का। उसमें यहाँ पे पांडव यहाँ पे 1,25,000 शिवलिंग स्थापित, 1,25,000 यहाँ पे की थी स्थापित पांडव यहाँ पे। ये शिव का नंदी बैल है सामने, ये शिव का नंदी बैल है यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं। दो द्वारपाली है। ये देव है, ये दानव है, ये खुदाई में निकले भी, ये दोनों ही। हाँ, ये सभी खुदाई में निकले। सत्य रूप है वीरभद्र है, वीरभद्र बोलते हैं नाम है, वीरभद्र है। कब निकले थे ये बता रहे। देखो ये सत्य रूप है वीरभद्र है, अत्यंत में जय अद्विजय। और देखो इसके बीच में मर आदमी जीवी हो जाता है, इसके बीच में मर आदमी पहले 2 मिनट के लिए जीवी हो जाता है, पहले घसलाते थे पंडित गंगा जल होते, गंगा जल होते छेड़ता, फिर छेड़ता फिर खिलाते थे दूध और चावल, इसके आदि पहले आदि पहले मर जाता है, इसके आदि पहले। यहाँ फिर पांडे यहाँ से लोग यहाँ सुरूंग, यहाँ पे सुरूंग पांडव लोग यहाँ से लोग निकले, पांडव वहाँ से भाग निकले, गुफा रोड मिली गुफा पांडव गुफा, पांडव वहाँ से भाग निकले थे, यहाँ से निकले पांडव यहाँ से भाग निकले थे। ये गवर्नमेंट बंद कर दिए। अच्छा। इधर देखो सब शिवलिंग के छोटे छोटे शिवलिंग देखे, छोटे यहाँ पे इधर ये छोटे छोटे शिवलिंग देखे, छोटे ये शिवलिंग देखो। इसकी खुदाई थी सन 2007, ये 7 में निकले शिवलिंग खुदाई, ये खुदाई में निकले हैं, इसी में निकले खुदाई में। ये देखो ये शिवलिंग देखो, इसके चारों भाई है, चारों भाई देख रहे हैं, इसके चारों भाई है। अब बीच में शिवलिंग की स्थापित शिवलिंग रजिस्टर है। अच्छा, ऊपर जाओ आप लोग, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर चढ़ना क्या ऊपर, ये खुदाई में निकले भी। ये कब निकली खुदाई में? ये खुदाई में निकले तो पता नहीं, इसी जगह निकले खुदाई में, इधर से ऊपर निकले। किस साल में निकली थी खुदाई में वो पूछ रहे हो? अच्छा, 2007 में। सारी कुछ खुदाई में निकली हुई है यहाँ पे। ये शिवलिंग जो है ये निकले क्या? 15 जनवरी 2022 पिछले साल ही निकले। इस शिवलिंग में जल डालने से आपका प्रतिबिंब खुद दिखता है साक्षात शिवलिंग पे। मतलब भोलेनाथ के अंदर हम समा रहे जी, उनका भोलेनाथ के अंदर हम समा रहे। हाँ, बहुत सही बात है यार, समा ले तो कितनी बड़ी बात है। पंडित जी, इस शिवलिंग के बारे में बताइए जरा। ये तब से जब पांडव आए थे ना जी, उस टाइम उन्होंने स्थापना करी थी, तो जैसे खुदाई में निकले ना, तो ये मतलब 5,000 वर्ष पुराना है। मतलब जी, ये पुराना है, मतलब प्राचीन है। आपका नाम क्या? आपने इतना अच्छे से बढ़िया से दिखाया बताया। रमन बहुगुणा जी, रमन बहुगुणा, रमन बहुगुणा, बहुगुणा जी, बहुगुणा। अच्छा, ऐसी पूरी वीडियो। वैसे यहाँ पे अब तक कितनी शिवलिंग पाई गई है? यहाँ पे 1,25,000 शिवलिंग निकले यहाँ पे, लेकिन लग तो नहीं रही है 1,25,000। कुछ तो स्टोर में रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी बन गया ना अभी यहाँ पे। अच्छा, ये नया बना, अभी इसके अंदर सारी मूर्ति फिट होगी। अच्छा, एक जगह से हम दूसरे जगह आ गए। ये है प्राचीन गुफा जहाँ पे पांडवों ने बैठ के तपस्या की थी शिव की खोज की। गुफा के अंदर चल पड़े, पंडित जी ने हमें दी है टॉर्च, क्योंकि कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं कि अंदर हमें स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होंगे। आइए आइए, अपना सर बचा के। हाँ, सर बचा के आना। शिवलिंग को ना छुए कह रहे हैं, याद रखिएगा। इस गुफा में बर्फ जमती है और तब शिवलिंग ऐसी दिखती है, स्वयंभू शिवलिंग है। स्टेशन चेकिंग होने लगती है यहाँ पे। आगे चल के हम यमुनोत्री के रास्ते घूम रहे हैं, अभी फिलहाल बरकोट में है। फिलहाल मैं हो गई हूँ फ्रेश और हम लोग यहाँ बरकोट में रुके हुए हैं। बैकग्राउंड से काफी झरने की आवाज आ रही होगी ना, हर दो 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 10 कदम की दूरी पे झरना है, दो अलग अलग, सो इसीलिए। और यार, ये पहाड़ों को देख के ना मुझे शिमला की बड़ी याद आ रही है। मतलब मुझे वॉकिंग करने का जाने का मन है, क्योंकि कॉलेज टाइम में हम लोग ऐसे शाम के टाइम पे कॉलेज से वापस आने के बाद ऐसे पहाड़ घूमने घूमने निकल जाते थे, पैदल टहलते रहते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। चल पड़ी हूँ रात को
वॉक पे, क्योंकि पहाड़ है और वॉकिंग ना हो तो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। और ये है मेरा साथी जो मेरे साथ चल रहा है। हम लोग खाना पीना खा लिए, हम मिन आंटी के साथ रह रहे हैं। क्या बढ़िया बनाती है आंटी, मैंने जबरदस्ती में खा गई और अब मेरे पेट दुख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग सुबह निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। तो अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ। आप सबसे मैं कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट।